नमस्कार, मेरा नाम मिथुन प्रताप सिंह है। हम इंडिया विजन फाउंडेशन से, हमारा फाउंडेशन जितने भी विजन्स हैं यूपी के अंदर 170 विजन्स हैं, जिनमें प्रिजन रिफॉर्मेशन का वर्क करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हम एक्टिविटीज़ को रन कराते हैं, ताकि जो अंदर इनमेट्स बने वो एम्पावर्ड हों, वो स्किल्ड हों, वो बाहर आके एक मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें और वो उनका अच्छे से रिहैबिलिटेशन और इंटीग्रेशन कराते हैं। उसी के तहत जीएल बजाज में आज एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें कि जिला कारागार गौतम नगर और जिला कारागार गाजियाबाद के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि प्लॉट हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये मंदिर की राख और नारियल की हस्क को बॉन्ड करके बनाई गई है। ये भी एक आर्ट है, इससे स्कल्पचर्स में आती है। ये पॉट हो गए, मोमबत्ती हो गई, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट ऑफ थिंग इंडिजीनियस हैं। ये सारे प्रेजेंट मेट्स ने बनाए, उनने पहले स्किल सीखा है, वो बना रहे हैं। नाउ वी आर प्रमोटिंग देम टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ताकि वो बाहर आके समाज में एक अपना मेन स्ट्रीम से जुड़ पाए। कितने दिन से चल रहा है आपका ये? ये 1992 में स्टार्ट किया था मैंने, और गौतमपुर नगर और जिला कारागार जो हमारा गाजियाबाद है उसमें 2018 से स्टार्ट किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सर, ये जैसे हमारे जो अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम आशीष हुआ, आई एम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर सर, जेल बजाज। सर, ये जितने सारे स्टैचू हैं, ये हमारे प्रिजन इनमेट्स के द्वारा ये बनाया गया है, जेल के कैदियों द्वारा, और वो अंदर रह के भी और अपने हौसला को बुलंद करते हुए भी ये सारे चीज़ें, और वहाँ पर जैसे कुकीज हैं, बिस्किट्स वगैरह, वो उन्होंने वो सारे चीज़ भी अपने हाथों से बनाई, ये सारे ऑर्गेनिक और भी हाइजीनिक है वो। बेसिकली सर, इंडिया विजन फाउंडेशन जो है किरण बेदी मैम की एक संस्था है, जो पिछले 29 सालों से दिल्ली एनसीआर और जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे इनसाइड प्रिजन एक्टिविटी सेंटर चलाते हैं हम लोग। तो जो पीपल इनसाइड प्रिजन आ जाते हैं, जो इनमेट्स होते हैं, कैदी जो होते हैं, उनको हम वहाँ पे स्किलिंग सिखाते हैं, ताकि वो अपनी थेरेपी भी ले सकें और उस गंदे माहौल से निकल सकें। ठीक है, तो उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी हुई है, ये लाइट्स वाली एक्टिविटी है, और उसके साथ साथ सर मिथुन जी, ये पेंटिंग वाली है, एम्ब्रॉयडरी वाली है, ये सारी एक्टिविटी होती है। तो उसमें वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं एज अ थेरेपी, और बाद में हम उनको सोलर, तो यहाँ पे जितना भी मतलब हम बाहर प्रदर्शित करते हैं, जब दिखाते हैं, जो पैसा होता है वो अंदर इनमेट को ही मिलता है, ताकि वो अपनी फैमिली को दे सके, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सके। तो इसलिए सारे प्रोडक्ट्स एज अ थेरेपी हैं, उसके साथ साथ हम उनको स्किलिंग प्रोवाइड करें, जब वो बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद वो अपना जीवन यापन कर सकें, इन इसमें रोज़गार कर सकें। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जीएल बजाज के साथ भी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो ये सारी चीज़ों से करके अपना जीवन यापन करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस समय? सर, इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ जीएल बजाज ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट साकार। इसमें यहाँ के टीचर्स जाके जितने भी जेल में हमारे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ताकि कैदी जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उनके हम ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा कोलाब्रेशन है किरण बेदी जी के फाउंडेशन के साथ, और ये हमारा ये एक कोशिश है कि समाज में जो लोग कहीं रह गए हैं पीछे, उनके साथ मिलके उनको स्वरोजगार के लिए तैयार करने की एक छोटी सी पहल है इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ। थैंक यू सर।